हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अचानक नीति चैनल पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी थोड़ा सा करेंट अफेयर लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ हफ्ते भर का करेंट अफेयर डिस्कस किया था मैं जनरली वीकली क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूं तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है तो कौन सा है वो देश भारत चीन जापान या फिर रूस आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन में जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा चीन चीन ऐसा देश है जिसने अमेरिका को पीछे छोड़कर वैश्विक धन में जो वृद्धि हुई है उसमें शीर्ष स्थान इसने प्राप्त कर लिया है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है या कहाँ पर किया जा रहा है देखिए जब ये करंट में होते हैं ना ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए तो इनको अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हॉट एयर बलून ये आपका होमवर्क है कि आप देखें कि हॉट एयर बलून क्या होता है क्यों इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो इसको आप पूरा डिटेल में डालकर लिखें और इसके इससे अपने करंट अफेयर को जोड़ें और बाकी अगर सिंपल वन लाइनर में पूछा जाएगा तो इतना पूछा जा सकता है कि ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है तो वाराणसी में लखनऊ में कानपुर में या फिर इलाहाबाद में तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वाराणसी में किया जा रहा है हॉट एयर वॉल्यून कार्यक्रम का आयोजन ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है पहली बात किसने किया है तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दे रही हूँ उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है ना तो कहाँ पर बिरसा संग्रहालय अब बिरसा संग्रहालय क्या है क्यों इसका उद्घाटन किया गया बिरसा मुंडा कौन थे इन चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि करंट के साथ साथ आप स्टैटिक भी खुद पे पढ़ते चले तो झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो बिरसा मुंडा थे ये अपने आप को भगवान के हिसाब से इनको आ, मतलब नाम इनका लिया गया भगवान बिरसा मुंडा जयंती अभी हाल ही में थी तो क्या है कि झारखंड बिहार ये संबंधित कहाँ से थे ये झारखंड से संबंधित हैं और बिरसा संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया

भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है तो कौन सा किया है 41वां वैज्ञानिक अभियान सेवेंटी टू माँ पर्यावरण अभियान 40वां वैज्ञानिक अभियान या फिर इकतालीसवां वैज्ञानिक अभियान ये दोनों जगह एक जैसा ही हो गया है तो ये ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है इकतालीसवाँ इसका मतलब डी भी सही कह सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश में आयोजित होने वाला है कतर में चीन में भारत में नेपाल में तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर सही होगा ऑप्शन ए कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन चुना गया है आप बताइएगा किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन चुना जाता है और किस गांव को चुना गया है तो पोचम पल्ली है जनगांव है आसिफाबाद है कोठांगुनम है तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा पोचम पल्ली पोचम पल्ली को गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है तो ये कुछ छोटे से प्रश्न थे थोड़े से प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना शेयर कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों नमस्कार